देखिए उन शहीदों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने तानाशाही सरकार के हलक में हाथ डाल के अपना स्वाभिमान वापस छीन लिया था। किसान के स्वाभिमान से टकराने की कोशिश की थी मोदी सरकार ने, और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें 700 किसान शहीद हुए थे। हमारा तो सपना ये है कि किसी दिन ऐसी सरकार आए जो इन 700 के 700 किसानों के शहीद स्मारक बनाए और उनसे, इनकी कहानियों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके कि कैसे अगर अपने स्वाभिमान पे कोई चोट होती है तो उसके लिए किस हद तक टकरा करके उस स्वाभिमान को वापस छीना जा सकता है। हम सब यहाँ पर पहुंचे थे और मैं आज यहाँ सब लोगों से, जितने भी टोल कमेटी भी थे और किसान साथी भी थे, उनसे ये वचन देकर यहाँ से निकला हूँ कि इस लड़ाई में अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसान के, धरती पुत्र के स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता